अमरोहा में फर्जी खुलासा करने के मामले में इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इन लोगों ने जीवित लड़की की हत्या के केस में निर्दोष पिता, भाई और रिश्तेदार को जेल भेजा था और उन्हें 15 महीने जेल में बिताना पड़ा था। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आदमपुर पुलिस ने इस फर्जी खुलासे का केस दर्ज किया था। आदमपुर का ये मामला है जहां पर ये फर्जी खुलासे का मामला सामने आया है। 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है क्योंकि ये फर्जी मामला दर्ज यहां पर किया गया था, जिसको लेकर के अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस महकमे में कि आखिर इस तरीके की जो फर्जी केस दर्ज हुआ, इस पर किस तरीके का एक्शन लेना है। अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर फर्जी खुलासे के मामले हुए सामने आए हैं, जहां पर फर्जी केस दर्ज किया गया था, पिता, भाई और रिश्तेदार को जेल भेज दिया गया था और उसके बाद अब 11 पुलिसकर्मियों पर खिलाफ केस दर्ज है। मोहम्मद इमरान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोहम्मद, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, आखिर जिन लोगों को जेल भेजा गया था, क्या उन लोगों की तरफ से अब क्या एक्शन लेने की बात वो कर रहे हैं? देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं, ये 20 फरवरी 2019 का पूरा मामला है जहां पर भाई रूपेश और उसके पिता को अमरोहा के आदमपुर थाने के इंस्पेक्टर, तत्कालीन इंस्पेक्टर और 11 पुलिसकर्मियों के को एक उनकी ही बेटी को मृतक साबित करके षड्यंत्र के साथ जेल भेज दिया था। जिसके बाद अब जब जेल से वो बाहर आए तो उनको पता लगा कि उनकी बेटी जीवित है, जिसके आधार पर उन्होंने न्यायालय में एक याचिका डाली थी। न्यायालय के आदेश पर ही आदमपुर के उस समय के तत्कालीन एसओ और 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जो है इसमें जो मौजूदा इंस्पेक्टर हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई की जो बात कही जा रही है। जी, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर इस षड्यंत्र के पीछे है कौन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, षड्यंत्र के पीछे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इसमें जो प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला देखा जा रहा है कि जो युवती थी वो अपने प्रेमी के साथ थी और लगता है कि शायद उसको उन पहलुओं को भी पुलिस साथ में सामने रखते जो है जो विवेचना कर रही है, जैसे ही कुछ सामने आएगा उसके जो अनुरूप कार्रवाई होगी। जी इमरान, ये भी जानना चाहेंगे जिन 11 पुलिसकर्मियों पर अब केस दर्ज किया गया है उनके खिलाफ, उन पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, क्या कोई जानकारी पुलिस प्रशासन से मिल पाई है अभी तक? हमारी इस संबंध में अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रप्रकाश शुक्ला से हमने इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है माने न्यायालय के आदेश के बाद जो है 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं। फिलहाल अब मौजूदा इंस्पेक्टर इसमें विवेचना कर रहे हैं, विवेचना के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। जी, तो इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे अमरोहा से, जिन्होंने ये जानकारी दी कि इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे एक्शन लिया जाएगा। हालांकि 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है, इस पूरे फर्जी मामले को लेकर के अब आगे जांच भी की जाएगी और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा।